बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ़ यखनी पुलाव। और ये बीफ़ यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ लिया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, और प्रेशर कुकर में अब हम ये 1 kg बीफ जो है ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख सकते हैं। अब हम इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे, सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है बीफ की। और बीफ की यखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 1 kg बीफ जो है ऐड किया है। अब इसमें जो मैं स्पाइसेस डालूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। बीफ यखनी पुलाव की यखनी बनाने के लिए जो हमने ड्राई स्पाइसेस लिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 tablespoon मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया है, 8 से 10 मैंने लौंगे ली हैं, यहाँ से 10 से 15 साबुत काली मिर्चें ली हैं। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है 1 teaspoon। यहाँ पे 2 से 3 पीसीस मैंने दालचीनी के लिए हैं। यहाँ पर साबुत 1 tablespoon मैंने सौंफ लिए हैं, जो कि यखनी में बहुत अच्छी खुशबू पैदा करते हैं। यहाँ पे 1 मैंने बादियान का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, और 4 मैंने छोटी इलायची ली है। और ये तमाम ड्राई स्पाइसेस अब मैं इस बीफ यखनी में डालूंगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यखनी कैसे। अब हम ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 लहसुन के क्लॉव्स हैं, और 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। मैं इनको अच्छी तरह से पीस लूँगी, पीस के और फिर ये मैं ऐड करूँगी। ये भी मैं आपको पीस के दिखा दूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने लहसुन को अच्छी तरह पीस लिया है, और ये 1 tablespoon बना है जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1 tablespoon पिसी हुई अदरक, देख सकते हैं 1 tablespoon पिसी हुई अदरक, यह अब इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, और इसकी मैं कटिंग करती हूँ। कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे यूज़। फिर आप देख सकते हैं मैंने प्याज की कटिंग कर ली है। अब ये प्याज भी हम इसमें ऐड, अब हम ये प्याज जो कटिंग करके रखी हुई थी ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 jug पानी का ऐड करूँगी, ये आप देख सकते हैं 1 jug ये हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 20 मिनट के लिए चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, और 20 मिनट के बाद फिर यखनी हमारी रेडी हो चुकेगी। फिर मैं पुलाव तैयार करूंगी, और वो मैं कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको यखनी तैयार होने के बाद फिर बताती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है, और यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बीफ को यखनी से अलग कर लेंगे, और किसी बाउल में निकाल लेंगे, और मैं ये निकाल के फिर आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम बीफ जो है वो यखनी से अलग कर लिया है और निकाल लिया है। अब चलें शुरू करते हैं पुलाव बनाना। पुलाव बनाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले 1 देगचा लिया है, और अब हम इसमें 1 पावा घी का ऐड करेंगे। मैं ऑयल यूज़ नहीं कर रही, घी में बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप जो भी यूज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं मैंने 1 पावा घी का लिया है। अब हम इसमें ये 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, अब ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से अब हम प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 tablespoon, और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस में मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कुठियू लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया, 2 से 3 मैंने साबुत लौंग लिए हैं और ये तमाम स्पाइसेस अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड। अब आप देख सकते हैं तमाम स्पाइसेस हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे जो कि हमने यखनी से निकाल के लग रखा हुआ था। अब ये हम 1 kg बीफ इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े का पुलाव बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पुलाव पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाएँ। अब हम इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए मसाले में अच्छे से भुनेंगे। ये तो अब आप देख सकते हैं हमने 5 मिनट बीफ को अच्छे से भुना है मसाले में और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। एक कटोरी दही है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे और अब इनकी फिर मज़ीद भुनाई करेंगे। आंच को तेज रखना है, अच्छे से भुनाई करनी है। अब आप देख सकते हैं कि बीफ हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास तकरीबन 1 जग यखनी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1 kg हमारे पास राइस है तो इसमें 1 जग यखनी का हम ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसको अच्छे से बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है और अब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। राइस ऐड करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें तमाम राइस जो 1 kg राइस थे मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं यखनी में। अब हम इसको इतना पकाएंगे ताकि जो है पानी तमाम पानी खुश्क हो जाए और फिर हम इसमें दम लगाएंगे जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो चावलों का पानी है वो यखनी का पानी अच्छे से खुश्क हो रहा है और अभी हम इसे मज़ीद और पकाएंगे ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए यखनी का और फिर हम इसको दम लगाएँ। अब आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हम इसको दम लगा। अब आप देख सकते हैं मैंने चावलों को दम लगा दिया है और इसका ढक्कन ऊपर रख के ऊपर एक भारी सी ये रख दी है लंगरी सी पत्थर सा ताकि इसका ढक्कन इधर उधर ना और स्टीम बाहर ना निकले और चावल अच्छे से गल जाएं। और अब इसको 10 मिनट के लिए हम दम देंगे और 10 मिनट बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। अब हमारे चावलों को दम आ चुका है और अब हम ढक्कन उठाने लगे हैं और देखते हैं कि ये कैसे पके हैं। जी तो आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े का पुलाव बना है, बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का बना है आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े का बना है। ये वो प्लेट है जिसमें हम आज बीफ यखनी पुलाव जो है वो डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलें अब इसमें डालते हैं। आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह।
जी तो अब आप देख सकते हैं कि बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़े की खुशबू होगी आ रही है। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और अब हम तो इसे मज़े ले लेके खाएंगे। और अगर आपको भी इसका यही मज़ा चाहिए और ये पुलाव चाहिए तो आप लोग किचन में जाइए, मेरी रेसिपी से इसको बनाइए और मज़े ले लेके खाइए, ताकि आप लोगों को भी इसका जो है वो मज़ा आ सके और ये इन्जॉय कर सके आप लोग भी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। बस आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे से खिले खिले हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत मज़े का पुलाव बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।